हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली गर्ल। वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर के प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और गाइस, अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर में किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे आप हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर सर्च करेंगे तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, name the acid which on mixing with silver nitrate solution produces a white precipitate which is soluble in excess of ammonium hydroxide। guys, आपको यहाँ पे acid बताना है जो कि white color का precipitate form करता है silver nitrate solution के साथ, और फिर जब उसमें excess of ammonium hydroxide add करते हैं तो जो precipitate होता है वो soluble हो जाता है। तो ऐसा कौन सा acid होता है? So guys, that is HCl acid, hydrochloric acid, क्योंकि hydrochloric acid जब silver nitrate के साथ react करता है तो यहाँ पे silver chloride form होता है जो कि white color का precipitate होता है, और जब उसमें excess of ammonium hydroxide डालते हैं तो जो precipitate form होता है वो soluble हो जाता है। और guys, ये जो question है ये 2015 में आया हुआ question है। Then next है, name the gas which produces dense white fumes with ammonia gas। तो गाइस, वो जो गैस होती है दैट इज HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब अमोनिया गैस के साथ मिलती है तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है उसी के व्हाइट कलर के डेंस फ्यूम्स जनरेट होते हैं। क्लियर? देन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन पर्टेन्स टू द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। गाइस, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये HCl गैस की लैबोरेटरी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स इंक्लूडेड है, 2 पार्ट यहाँ पर है और थर्ड वाला पार्ट वहां पर है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2015 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड। गाइस, आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है HCl गैस की प्रिपरेशन के लिए, और साथ में जो कंडीशन होती है वो भी कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो गाइस, जो इक्वेशन होगी दैट इज सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यहाँ पे जो कंडीशन होती है दैट इज टेम्परेचर इज बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर रखते हैं वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो गाइस, बिलो का साइन आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, ये जो साइन होता है ये होता है बिलो का, और अगर इसका अपोजिट हो जाता है इस टाइप का साइन तो वो हो जाता है अबव का। ठीक है, तो ये साइन में कंफ्यूज मत होइएगा। बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में HCl गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। क्लियर गाइस? यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल इक्वेशन पूछी गई है। जब एक सिंपल इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अगर मेंशन किया जाता है कि आपको इक्वेशन लिखनी है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर 200 डिग्री सेल्सियस वाली, तो फिर आप दोनों ही इक्वेशन को वहां पे मेंशन करेंगे। बट अगर सिंपल इक्वेशन पूछ रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर ऐसे कंडीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं कि बिलो 200 या आफ्टर 200, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे और इसमें बिलो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन कर देंगे। क्लियर? देन गाइस, इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज नेम द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन द अबव प्रिपरेशन एंड गिव रीजन फॉर द चॉइस। गाइस, आपको यहाँ पे ड्राइंग एजेंट बताना है कि कौन सा यूज करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन में HCl गैस की, और जो आप ड्राइंग एजेंट बताओगे तो आपको रीजन भी देना है कि आपने यही ड्राइंग एजेंट क्यों बताया है। तो गाइस, यहाँ पे जो ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है दैट इज कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट। अब क्यों यूज करा जाता है? क्योंकि जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो HCl गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर उसके अलावा कोई और ड्राइंग एजेंट यूज करे जाते हैं तो वो HCl गैस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इस वजह से उन्हें यूज नहीं करा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्विक लाइम को क्यों नहीं ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है HCl गैस की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा
बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद HCl गाइस, क्योंकि जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पे रीजन ये लिखते हैं कि जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, दैट्स व्हाई इसको एज अ ड्राइंग एजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। गाइस यहाँ पे ये रीजन बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, कंसेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, बट ये रीजन यहाँ पे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसको हमने ड्राइंग एजेंट की तरह क्यों यूज करा है। अब इसको यहाँ पे ड्राइंग एजेंट की तरह इस वजह से यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि हमें हीट तो करना ही नहीं है ना। यहाँ पे ड्राइंग एजेंट हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि ये HCl गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर? ये चीज याद रखनी है गाइस। अगर यहाँ पर आता है कि रिएक्टेंट हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, यहाँ पे जो H2SO4 ले रहे हैं ये कंसेंट्रेटेड होता है, तो अगर ये आता है कि रिएक्टेंट हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन आएगा कि क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है इस वजह से यूज करता है। बट अगर ड्राइंग एजेंट का पूछा जाता है तो आप नॉन वोलेटाइल का रीजन नहीं लिखेंगे, ड्राइंग एजेंट में आप लिखेंगे क्योंकि ये HCl गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई इसको यूज किया जाता है। क्लियर? Then guys, इसका जो थर्ड पार्ट है, दैट इज टेक द सेफ्टी प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बताना है, सिर्फ एक ही सेफ्टी प्रिकॉशन पूछ रहा है। वैसे तो 3 सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, तो तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्परेचर इज मेंटेन एट नियरली 200 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है वो नियरली 200 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन करके चलते हैं, अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है जो कि ग्लास एपरेटस से स्टिक हो जाता है, फिर उसे रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो वैसे तो 3 प्रिकॉशंस होते हैं। ये भी होता है कि क्रिस्टल फनल का जो एंड होता है वो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पूरी तरह डिप होना चाहिए, जो डिलीवरी ट्यूब का एंड होता है वो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं उसमें पूरी अच्छी तरह डिप होना चाहिए। ये भी 2 रीजन होते हैं, तो आप कोई सा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? देन गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेट वन एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है इसका, कॉपर सल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl एसिड। गाइस जब कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? तो यहाँ पे गैस लिबरेट होगी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? H2S गैस। और गाइस H2S गैस लिबरेट तो हो रही है, अब कैसे हमें पता चलेगा कि वो गैस H2S ही है? क्योंकि देखिए जो H2S गैस है ये कलरलेस होती है, कोई भी कलर नहीं होता, बट इसकी स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल से पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो यहाँ पे H2S गैस इवॉल्व हो रही है विच हैज द स्मेल ऑफ रॉटन एग, जिसकी स्मेल होती है रॉटन एग की। क्लियर गाइस? जो गैसेस इवॉल्व होती है, गैसेस का आपको कलर पता होना चाहिए, स्मेल पता होनी चाहिए, साथ में नेचर पता होना चाहिए, उनको टेस्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन में ये आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर मान के चलिए कोई गैस लिबरेट हो रही है जिसका एक पर्टिकुलर कलर है जो आप देख पा रहे हो कि हाँ ये कलर है इसका, तो फिर आपको उसका कलर मेंशन करना है। जैसे मान के चलिए किसी केस में क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, अब क्लोरीन का एक पर्टिकुलर कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर, तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि हाँ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, तो फिर आप उसमें कलर मेंशन करोगे। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है अगर किसी केस में, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो कलर से पता चल जाएगा कि हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। अगर कलरलेस गैस है तो ऑब्वियसली उसका कलर से तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर उसकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, जैसे इसकी स्मेल है तो इसकी स्मेल से पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको गैसेस के कलर, स्मेल, नेचर, उनका टेस्ट करने का तरीका, ये सारी चीजें भी याद रखनी है। गाइस इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे H2S गैस लिबरेट हो रही है जिसकी स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग की। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? Then guys, next question है, a few drops of dilute HCl acid is added to silver nitrate solution followed by addition of ammonium hydroxide solution. Guys, आपको यहाँ पे observation बतानी है कि जब dilute HCl acid को add करते हैं silver nitrate solution में तो क्या होता है?
इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि फिर उसके बाद जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसमें, तो फिर क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि जो डाइल्यूट एचसीएल एसिड है ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है, तो क्या होता है सिर्फ उतना ही लिख देते हैं आंसर, बाकी का जो आंसर है दैट इज फॉलोड बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये नहीं लिखते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो जब डाइल्यूट एचसीएल एसिड को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड का, और फिर जब उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आंसर आएगा कर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कर्टी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सिल्वर क्लोराइड का, और गाइस जब उसमें एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये सॉल्युबल हो जाता है। तो आपको पूरा लिखना है, कुछ बच्चे सिर्फ इतना लिख कर छोड़ देते हैं कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सिल्वर क्लोराइड का, ये तो लिखना ही है। इसके अलावा फिर उसमें बोल रहा है ना फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो आपको ये भी मेंशन करना है फिर उसमें कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो फिर सॉल्युबल हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। गाइस यहाँ पे आपको केमिकल टेस्ट बताना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बीच में। तो यहाँ पे केमिकल टेस्ट क्या होगा गाइस, अमोनिया के साथ जो HCl गैस होती है वो डेंस व्हाइट कलर के फ्यूम्स फॉर्म करती है बट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म नहीं करती है। तो यहाँ पे रीजन हो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑब्जर्व्ड व्हेन अ रॉड डिप्ड इन अमोनिया, अमोनिया सॉल्यूशन में जब हम एक ग्लास रॉड को डिप करेंगे और टेस्ट ट्यूब जिसमें HCl गैस प्रेजेंट होगी वहां पर लेकर आएंगे, is brought to the mouth of the test tube containing HCl gas, guys white color के test tube form होंगे जब HCl gas के mouth पर जो rod है वो लेकर आएंगे, तो ये तो इसका test हो गया, but no fumes observed in case of H2S gas, but hydrogen sulfide gas के case में ऐसे कोई fumes form नहीं होंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन सी HCl gas है और कौन सी hydrogen sulfide gas है, clear? तो guys ये हो गए question, बाकी के questions भी देखते हैं। So guys, next question is, write the balanced chemical equation for, guys, ये जो question है, ये 2011 में आया हुआ question है, और यहाँ पर आपको balanced chemical equation लिखनी है, क्योंकि guys, balancing के भी marks होते हैं, है ना? तो first है, sodium thiosulfate is reacted with dilute hydrochloric acid, कि जब sodium thiosulfate react करे dilute HCl acid के साथ, देखिए थायोसल्फेट रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड के साथ, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है और साथ में येलो कलर का प्रेसिपिटेट सल्फर का फॉर्म होगा, है ना। और गाइस रिएक्शन लिखेंगे आप तो बैलेंस करके लिखेगा, मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके लिखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके, क्लियर। देन गाइस नेक्स्ट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला गलत लिख देते हैं। अगर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो आपकी पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख देते हैं CaCO3 या फिर CaHCO3 लिख देते हैं, बस होल्ड वाइज नहीं लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला आपका सही होगा तभी रिएक्शन सही होगी। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, और रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिएगा, फिर से कह रही हूँ क्योंकि बैलेंसिंग के अलग से मार्क्स होते हैं, क्लियर। Then guys, जो next question है, ये 2016 में आया हुआ question है, identify the gas evolved and give the chemical test in each of the following cases. Guys, first है, जो dilute hydrochloric acid है, ये react कर रहा है किसके साथ, iron second sulfide के साथ, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी और उसका टेस्ट बताना आपको, केमिकल टेस्ट।
तो गाइस जब टैल्यून हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा आयरन सल्फाइड के साथ, आयरन सेकंड सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिब्रेट होगी। और गाइस जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये कलरलेस गैस होती है जिसकी स्मेल होती है रॉटन एग की। तो आपको पूरा लिखना है, कलरलेस गैस होगी, रॉटन एग की स्मेल होगी। और इसका केमिकल टेस्ट क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है? तो इसका टेस्ट होगा that it turns lead acetate paper black. ये क्या करेगी, जो lead acetate paper है उसको black color का कर देगी, है ना? Guys, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक जो gases है उनके test आप लोगों को पता होने चाहिए, color, smell, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तभी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कॉमन गैसेस है उनके कलर की, स्मेल की, जो नेचर होता है उनका उसकी, और साथ में टेस्ट की, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? देन गाइस जो नेक्स्ट है, सोडियम सल्फाइड के साथ आपको बताना है कि जब डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड के साथ तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी और उसका आपको केमिकल टेस्ट देना है। तो गाइस इस केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये भी कलरलेस होती है, और इसकी जो स्मेल होती है वो बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है ना? तो याद रखिएगा इसकी स्मेल बर्निंग सल्फर की होती है। अब इसका केमिकल टेस्ट क्या होगा, दैट इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन। गाइस जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो उसका कलर ये चेंज कर देती है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। क्लियर? Then guys, next question 2013 में आया हुआ question है, आपको यहाँ पे गैस identify करनी है evolved when potassium sulphide is treated with dilute hydrochloric acid। Guys, potassium sulphide जब treat हो रहा है dilute hydrochloric acid के साथ, तो guys इस case में sulphur dioxide gas liberate होगी। Sulphur dioxide means SO2 gas लिब्रेट होगी। याद है कि सल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिब्रेट होती है। देन नेक्स्ट है, कंसंट्रेटेड एक्सियल एसिड इज मेड टू रिएक्ट विद मैंगनीज डाइऑक्साइड। गाइस जब कंसंट्रेटेड एक्सियल एसिड रिएक्ट करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, तो इस केस में क्लोरीन गैस लिब्रेट होती है। कौन सी? क्लोरीन गैस। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, ठीक है? और कैसे कलर की होती है ये? ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, तो क्लोरीन गैस लिब्रेट होगी। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, नेम टू गैसेस व्हिच कैन बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। पहले वाले पार्ट में आपको बताना है टू गैसेस जो कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की स्टडी में यूज करी जाती है, एंड स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो बतानी है आपको। तो गाइस जो दो गैसेस होती हैं जो कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के केस में यूज करी जाती हैं, दैट इज अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। याद रखिएगा दो गैसेस कौन कौन सी, एक तो अमोनिया गैस और दूसरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। गाइस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिखना है आपको, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखोगे आप तो गलत हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पे गैस आनी है वहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही लिखनी है। क्लियर? देन आपको यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है, तो गाइस जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी दैट इज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। जो जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है दैट इज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जो गैसेस है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। तो जो अमोनिया गैस होती है एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। क्लियर? तो गाइस आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोस्टली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, गैस को आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं, और डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं। और गाइस ऐसे नहीं आते कि जो पूरी पूरी आपको थ्योरी लिखनी है, ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, वन वर्ड टाइप के आते हैं या वन से टू लाइन तक के सेंटेंस तक के क्वेश्चन आते हैं। साथ में रिएक्शंस आती है, गाइस रिएक्शंस लिखिएगा हमेशा बैलेंस करके लिखिएगा क्योंकि बैलेंसिंग के मार्क्स होते हैं। क्लियर? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।